हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त दिलीप शर्मा आपको अपने चैनल शेखावटी गार्डनिंग पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको बड़े खूबसूरत से प्लांट जेड प्लांट के बारे में कैसे केयर कर सकते हैं, कैसे इसको प्रोपोगेशन कर सकते हैं, कैसे इसको ग्रो कर सकते हैं, उसके बारे में बात की। जेड प्लांट समर का एक पेरिनियल प्लांट है और इसे पूरे साल भर ग्रो कर दिया जाता है और ये पूरा साल चलता रहता है और एकदम रफ एंड टफ एकदम हार्डी प्लांट जिसे एक्सपर्ट गार्डनर की ज़रूरत नहीं रहती, इसे बिगनर्स भी लगा सकते हैं और ये एकदम इजीली ग्रो होता है और इसे इस प्लांट को ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है। ये कटिंग से इजीली, अगर आपके पास फैमिली में या फ्रेंड्स के पास ये प्लांट हो तो उनसे आप एक डंडी तोड़ के भी लगा सकते हैं। इसकी छोटी से छोटी कटिंग चल जाती है। इसको कैसी मिट्टी में लगाएं, जैसे ये मैंने ये तोड़ा है तो इसको कटिंग करके और ज़मीन मिट्टी में लगा देंगे तो ये इजीली चलता रहेगा। अब ये कटिंग ग्रो हो जाएगी, इनको इजीली ग्रो किया जा सकते हैं ज़मीन में, कैसी भी मिट्टी में लग जाते हैं, क्लेई सोयल हो, कैसी भी रफ एंड टफ सोयल, इसे पुअर सोयल में भी ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। पर हम इसे गमले में लगा रहे हैं, पॉट में लगा रहे हैं तो इसे वेल्ड्रेन पोटिंग सोयल तैयार करनी पड़ेगी। वेल्ड्रेन पोटिंग सोयल के लिए 1/3 जो गार्डन की जो टॉप सोयल होती है वो 1/3 सैंड और 1/3 ही कंपोस्ट लेके और एक मुट्ठी नीम की खली और एक चम्मच फंजीसाइड साफ बेवस्टीन मैनकोजेब सिनेमन पाउडर वो डाल सकते हैं और कंपोस्ट में वर्मी कंपोस्ट काउडंग मैन्योर गोट मैन्योर किचन वेस्ट कंपोस्ट जो भी आपके पास कंपोस्ट हो वो डाल सकते हैं। इसको कैसे ग्रो कर सकते हैं, कटिंग के थ्रू इसको इजीली ग्रो किया जाता है और इसको रूट सेक्शन से भी ग्रो किया जाता है। रूट सेक्शन इसके नीचे नीचे से बेबी प्लांट निकलते रहते हैं, उनको अलग करके भी ग्रो किया जाता है। जेड प्लांट को कैसी सोयल सनलाइट कैसी चाहिए, इसको विंटर में फुल सनलाइट में रख सकते हैं पर समर में इसको 5 से 6 घंटे की सनलाइट में भी रख सकते हैं और फुल सनलाइट में भी रख सकते हैं। पर फुल सनलाइट में क्या होगा, इसकी पत्तियाँ श्रिंक होने लग जाएगी, पत्तियाँ एकदम मुड़ने सी लग जाएगी, एकदम जूसीपन जो इसकी पत्तियों में जूसीपन होता है जूस होता है वो नहीं रहेगा और हेल्दी नहीं रहेगी। फुल सनलाइट में ग्रो तो करती रहेगी पर हेल्दी नहीं रहेगी। पानी कैसे दें, इसको पानी देने के लिए इसकी जो टॉप सोयल है सूखने पर ही पानी दे। मेरे प्लांट की मिट्टी मॉइस्ट है तो टॉप सोयल सूखने ड्राई सोयल में भी ये चल जाता है। मॉइस्ट रखे ड्राई भी थोड़ा सा ड्राई रखे तो भी ये चल जाता है। 1-2 दिन पानी नहीं दे तो भी ये प्लांट चलता रहता है एंड रफ एंड टफ है, बिल्कुल भी क्रेड नहीं मांगता ये प्लांट। और इसकी मिट्टी सोगी नहीं रखे, दलदली मिट्टी नहीं रखे, इसमें ये अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं। जेड को रिपोर्टिंग करते टाइम इसको ये रिपोर्ट, इसकी रूट्स भी शैलो होती हैं और इसके रिपोर्टिंग की भी ज़रूरत नहीं है। जेड प्लांट को 2 से 3 सालों में रिपोर्ट कर सकते हैं और इनमें फरवरी और सितंबर में एक बार, फरवरी में एक बार सितंबर में अच्छी तरीके से खाद दे दें और फिर इन्हें खाद देने की भी ज़रूरत नहीं है, ये इजीली ग्रो कर सकते हैं। जेड प्लांट की टॉपलेरी बहुत सुंदर बनाई जाती है, जैसे मैंने ये एक टॉपलेरी बना रखी है जेड की ट्री शेप की, ये मैंने बॉल शेप की, ये मैंने टॉपलेरी बना रखी है पिकॉक शेप की। ये टोपलेरी अंडर ट्रेनिंग है तो चल रही है, ऐसी टोपलेरियाँ बना सकते हैं, जो भी प्लांट शेप लेता है वैसी टोपलेरी बना सकते हैं। जेड प्लांट एक सेकुलेंट फैमिली का प्लांट है जिसकी पत्तियों के अंदर जूस होता है, अंदर जूस होता है और ये अपनी पत्तियों में स्टोर करके रखती है पानी और इन्हें हैंगिंग बास्केट में फिलर के रूप में प्लांट के रूप में सारी जगह ग्रो किया जा सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में इन्हें ग्रो किया, कम पानी देने से इसकी पत्तियां ऐसे श्रिंक होने लग जाती है।
हैंगिंग बास्केट में भी ये बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं और बड़ा सुंदर लगता है। कटिंग के थ्रू इसे इजीली लगाया जाता है। और इसके अंदर जेट प्लांट में फंगस होने पर क्या करें कि इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर दें। नीम ऑयल का स्प्रे नहीं करें और वेनेगर, एक चम्मच वेनेगर 1 लीटर में पानी में डिजोल्व करके और एक चम्मच लिक्विड सोप डाल के और वो डाल सकते हैं। नीम ऑयल का स्प्रे इस प्लांट पे नहीं करें, जेड प्लांट पे नहीं करना। फंगस होने पर वेनेगर डाल दें। ओके फ्रेंड्स, मेरे को जेड प्लांट के बारे में जितनी जानकारी मैंने पूरी बताने की कोशिश की है। जिन फ्रेंड्स ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके फ्रेंड्स, बाय।